स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में विभाजित किया गया है। राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इसे जिलों में विभाजित किया गया है। जिलों में कई ऐसे विभाग हैं जो प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। इसमें एक है शिक्षा का विभाग। शैक्षिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग पर पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे झारखंड में JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। झारखंड में JPSC रिटेन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो सफल होते हैं उनका चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं वो राज्य के जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, एग्जाम्पल जैसे झारखंड के जो शैक्षिक कार्यक्रम है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, बहुत सारे जो अभियान हैं वो जिलों में किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हो सके, तो इसके लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी उत्तरदायी होते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रमुख कार्य शैक्षिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिले के स्तर पर जिले में जो भी स्कूल हैं सभी में शिक्षकों का चयन, उनका निरीक्षण, सही आधार पर सही दिशा निर्देशन देना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा में गुणात्मक विकास कैसे हो इसके लिए जो भी राष्ट्रीय स्तर प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये सभी कार्यक्रमों का जिला के अधीनस्थ क्षेत्रों में संचालित करते हैं। अब हम मेन एम फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को देखते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रमुख कार्य, तो फर्स्ट इनका जो फंक्शन है वो हम देखेंगे, इंस्पेक्शनिंग ऑल एस्टैब्लिश स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में स्थापित सभी स्कूलों का निरीक्षण करना। जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रमुख कार्य जिले में जितने भी स्कूल हैं उनका सबका वो निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं कि सही तरीके से शैक्षणिक गतिविधियां हो रही हैं या नहीं, सही से कक्षाएं संचालित हो रही हैं कि नहीं। जैसे अभी झारखंड में झारखंड सरकार द्वारा जो 8-9 के स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनमें बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी का नॉलेज है कि नहीं, इसके द्वारा झारखंड स्तर पर सुगम और सुबोध, ये दो जो टेस्ट बुक हैं इनको दिया गया है सभी स्कूलों में। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये कार्य है कि ये जो सुगम और सुबोध पुस्तक टेस्ट बुक है वो डेली स्कूल में उनका स्टडी हो रहा है कि नहीं, उनका अध्ययन हो रहा है कि नहीं, तो वो पर डे जो भी जिले के स्कूल हैं उनमें वो निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं। वो जो स्कूल है वहाँ के शिक्षकों को यह निर्देश, इंट्रक्शन मिला हुआ है कि कम से कम 2 पीरियड तो सुगम और सुबोध को पढ़ाना है। अगर जो नहीं पढ़ाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके तरफ से वो कार्रवाई करते हैं, वो
मतलब डेली सुपरविजन करते हैं जो भी जिले के अंदर स्कूल है कि सुगम सुबोध बच्चों को सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो ये अगर सुगम सुबोध का उन्हें नॉलेज हो जाता है तो यहाँ हमारा जो इस एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन में डेवलप करेगा। तो इसके लिए वो पर डे सुपरविजन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि स्कूल में जो भी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, टाइम टू टाइम क्लास हो रहा है कि नहीं, जो भी अदर एक्टिविटी है, को कूलर एक्टिविटी है, वो सभी सही समय से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं, उनका वो निरीक्षण करते हैं। सेकेंड हम देखेंगे अरेंजिंग रिसोर्स इन स्कूल, स्कूलों में संसाधनों की व्यवस्था करना। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एक मेन जो फंक्शन है, जो कार्य है, वह यह है कि जो स्कूल में संसाधन है उनका समुचित रूप से व्यवस्था है कि नहीं। संसाधन में यहाँ फिजिकल और ह्यूमन, मानवीय और भौतिक दोनों संसाधनों से जोड़कर वो लेते हैं। भौतिक संसाधन में, फिजिकल रिसोर्स में, मान लीजिए कि स्कूल है और वहाँ साइंस की पढ़ाई होती है तो साइंस के लिए जो लैब होना चाहिए, लैब में जो जरूरी टूल्स होते हैं, जो भी उपकरण है, जैसे एग्जांपल आपका परख नली वगैरह, वो है या नहीं उसका वो व्यवस्था कराते हैं। और जो भी ह्यूमन रिसोर्स में, मान लीजिए कि अगर टीचर स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो उनकी भी वो व्यवस्था कराते हैं। बहुत सारे स्कूल में हम देखते हैं कि हेडमास्टर नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो स्कूल में बहुत दिनों से टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में भी लगे हुए हैं, प्रशासनिक कार्य में भी लगे हैं, उन्हें प्रेफरेंस के आधार पर उन्हें प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में नियुक्ति करते हैं ताकि वहाँ का जो भी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो सफलतापूर्वक संचालित होते रहें। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एक प्रमुख कार्य है कि स्कूल में जो भी रिसोर्स है, फिजिकल और ह्यूमन दोनों को प्रॉपर वे में अवेलेबल करवाते हैं, मतलब उचित रूप से उन्हें उपलब्ध कराते हैं ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार की रुकावट ना आ सके। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्कूलों को उपयुक्त तथा नवीन शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराना, टू मेक टीचर्स अवेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एंड न्यू टीचिंग मेथड। हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन आए दिन कोई ना कोई चेंजेज आते हैं, चाहे वो टीचिंग मेथड को लेके हो, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को लेके हो, किसी भी फील्ड में चेंजेज आते हैं। तो टीचिंग मेथड के क्षेत्र में भी चेंज आ रहा है कि हमें न्यू न्यू टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाना है। जो हमारे लेक्चर मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, हम उन्हीं मेथड का प्रयोग करके नीरस शिक्षा को कर दिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यहाँ क्या करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है, उनको जो स्कूली टीचर्स हैं उनको उसे उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें जो भी न्यू टीचिंग मेथड आ रहा है उसे उनको अवेयर करवाते हैं ताकि वो स्कूल में न्यू टीचिंग मेथड को का यूज करके बच्चों को इंटरेस्टिंग नॉलेज, रुचिपूर्ण ज्ञान करवा सके। तो इसके लिए वे टीचर को न्यू टीचिंग मेथड जानने के लिए ट्रेनिंग को अरेंज करवाते हैं। जैसे न्यू टीचिंग मेथड में हम प्रोजेक्ट मेथड को ले लेते हैं, केस स्टडी मेथड भी हमारे न्यू मेथड्स हैं। तो इससे जो स्कूली टीचर हैं वो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो नहीं जान पाते हैं, तो वो जो न्यू टीचिंग मेथड आ रहे हैं तो DEO जो होते हैं वो उनको अवेयर कराते हैं और अवेयर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल ईस्ट सिंहभूम के जो भी स्कूल हैं तो जो DEO हैं वो क्या करते हैं, एक स्कूल को सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें जाके सारे टीचर ट्रेनिंग लेते हैं न्यू टीचिंग मेथड या जो भी एजुकेशन के संदर्भ में जो भी नए चीज़ें आ रही हैं उनसे वो लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो कार्य है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्कूलों में नवीन शिक्षकों की नियुक्ति कराना, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स इन स्कूल। राज्य के
द्वारा जो भी शिक्षकों का की नियुक्ति की जाती है, उनका एग्जाम के थ्रू जो भी जो कैंडिडेट होते हैं टीचर बनते हैं, तो वो जो न्यू टीचर होते हैं उनका उनको डिस्ट्रिक्ट के कौन से स्कूल में भेजना है, तो वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं वो अपने जिले के अंदर जो भी स्कूल हैं उनको पूरे का रिकॉर्ड रहता है कि किस स्कूल में हमारे कितने टीचर हैं, किस स्कूल में किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, तो इन सब की जानकारी और डाटा के थ्रू वो जो भी नए टीचर आते हैं उनकी वहाँ वो नियुक्ति करते हैं। तो ये कार्य भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना, रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक या छात्र जिसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अपनी समस्याओं को बताते हैं और समस्याओं के निराकरण के उनसे उपाय भी लेते हैं। एग्जाम्पल की मान लीजिए किसी स्कूल में साइंस लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी टूल्स होते हैं अगर वो नहीं है तो टीचर्स क्या करते हैं कि रिटेन में लेटर लिख कर देते हैं और अपने स्कूल में उन सारे सुविधाओं को लैब के जितने भी टूल्स हैं उन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए मांग करते हैं। जो भी और जो स्टूडेंट की भी जो प्रॉब्लम है वो सारी समस्याओं को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू दूर किया जाता है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं वो स्कूल के जो भी शिक्षक या छात्र के जो भी समस्याएं हैं उनको वो दूर करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक जो प्रमुख जो सेक्टर है जो क्षेत्र है वो गवर्नमेंट स्कूल पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि राज्य का एक प्रमुख उत्तरदायित्व तो होता है कि हमें अपने राज्य के शिक्षा में कैसे क्वालिटी डेवलप करना है, तो इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ही सारे कार्य की जिम्मेवारी सौंपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, टू मेक कॉन्टैक्ट विथ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं तो उनका अन्य संस्थाओं से वो निराकरण करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं और उन्हें पता है कि हमारे इस कोई जो स्कूल है एग्जाम्पल की छोटा गोविंदपुर का आदर्श निकेतन को हम ले लेते हैं, वहाँ अगर साइंस के टीचर्स नहीं होते हैं और वहाँ बहुत दिनों से साइंस की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये क्या करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जब जो बीएड कॉलेज होते हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज उसमें वो जब इंटर्नशिप का समय आता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सुझाव देते हैं, ये निर्देश देते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको वो विद्या आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में भेजा जाए जहाँ बहुत दिन से साइंस की पढ़ाई नहीं है हो रही है, जहाँ साइंस टीचर उपलब्ध नहीं है। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अन्य शैक्षिक संस्थाओं से इसलिए संपर्क स्थापित करता है कि शैक्षिक जो भी समस्या आ रही है उनको दूर किया जाए। तो यही कारण है कि जो भी हमारा बीएड टीचर का बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जब इंटर्नशिप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डीईओ के पास लेटर जाता है कि कौन से स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजा जाए, तो वो ये देखते हैं कि किस स्कूल में कहाँ टीचर्स की कमी है, किस सब्जेक्ट के टीचर की कमी है, तो अगर जिस सब्जेक्ट के टीचर की जहाँ ज़्यादा कमी रहती है तो ट्रेनिंग कॉलेज में जो टीचर्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट रहता है अगर मान लीजिए साइंस, तो पहले उनको वहाँ साइंस वाले टीचर्स को इस स्कूल में भेजा जाता है। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक प्रमुख कार्य होता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो भी अन्य शैक्षिक संस्थान है उनसे वो संपर्क स्थापित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्कूल के सभी विभागों की जांच करना, इंस्पेक्शनिंग ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल। स्कूल के जितने भी विभाग होते हैं शैक्षिक विभाग को लेकर से अलग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से अलग, जो भी डिपार्टमेंट्स है एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा लैब है, हर सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट होता है एग्जाम्पल साइंस
डिपार्टमेंट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट का वो जांच करते हैं कि वहाँ प्रॉपर वे में फंक्शन हो रहा है कि नहीं, वहाँ जो भी रिसोर्स है, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है कि नहीं, साथ ही साथ ये खेल कूद विभाग और आपके लाइब्रेरी, सारे चीज़ों पे ये अपनी गतिविधियों के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू नज़र रखते हैं कि वहाँ शिक्षा के सारे विभाग में सही पूर्वक क्रियाओं का संचालन हो रहा है कि नहीं। इस तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो जिले के अंदर जो भी स्कूल हैं उनमें निरीक्षण करना, संसाधनों को उपलब्ध कराना, शिक्षकों को न्यू न्यू टीचिंग मेथड से अवेयर कराना, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, प्लस जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, अदर्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट, सभी पे सही भी प्रकार से सही तरीके से कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उनकी वो निगरानी करते हैं और वो एजुकेशन में गुणात्मक विकास के पहल को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना, ये सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रॉपर वे में संचालित करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको सही पूर्वक उनका लाभ हुए उठा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्तर पर सभी विद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। थैंक यू। आई होप कि आप आज का ये वीडियो क्लास आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आ गया हो। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो, प्लीज डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।